बहुत स्वागत है तुम्हारे इस वीडियो में। तो आज हम देखने जा रहे हैं गुलाम का नियम, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है वो बताया था, ठीक ना। मतलब कि तीन विधियां बताए थे, चालक विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि तथा घर्षण विधि। इन तीन विधियों से किसी वस्तु को भी आप क्या कर सकते हैं, चाले किसी भी वस्तु को आपको आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाएँ और उस वीडियो को देख लें, ठीक ना। तो चलिए आज देखेंगे गुलाम का नियम। गुलाम का नियम क्या होता है और क्यों लाया गया उसके बारे में बात करते हैं, ठीक ना। गुलाम का नियम होता क्या है, क्यों गुलाम का नियम आ गया और क्या होता है गुलाम का नियम, डेफिनेशन, फार्मूला सब कुछ देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुलाम का नियम देखिए, आपको तो पता है कि अगर कोई प्लस आवेश है और एक कोई दूसरा प्लस आवेश है तो प्लस और प्लस अगर पास लाओगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी दूर भागेंगे। क्या होंगे, दूर भागेंगे। और अगर माइनस और माइनस है तो ये भी क्या होंगे, दूर भागेंगे। ये भी क्या होंगे, दूर भागेंगे। यानी कि चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, क्या होंगे, दूर भागेंगे। और ये प्लस और ये माइनस लाएंगे तो क्या होंगे, पास आएंगे। यानी इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी अगर दो प्लस आवेश हैं और दो माइनस आवेश हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, और दो एक प्लस एक माइनस हो इनमें क्या होगा, आकर्षण। तो ये तो आपको पता है कि मतलब कि यहाँ पर एक प्लस आवेश रख दिए, यहाँ पर एक प्लस आवेश रख दिए, तो ये क्या होंगे, इनको जैसे ही पास लाएंगे ये दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये आया कि ये दूर भागें क्यों, ये दूर भागें क्यों, यानी कि ऐसा क्या हुआ कि प्लस को देखकर प्लस दूर भागने लगा। तो एक सिंपल सा इसका तरीका है बताने का कि यह दूर इसलिए भागा क्योंकि इनमें क्या लग रहा होगा, बल लग गया होगा। अच्छा, कोई चीज़ मतलब कहीं, मतलब ये दोनों भाग रहे हैं तो क्यों भागे होंगे, क्योंकि इनके बीच क्या उत्पन्न हो गया होगा, बल उत्पन्न हो गया होगा, ठीक है। तो कितना बल, कौन सा बल उत्पन्न हुआ होगा, वही बल होता है गुलाम का बल, ठीक है ना। या गुलाम का नियम, यानी कि यह क्यों दूर भागे, इसलिए भागे क्योंकि इनमें क्या लगा होगा, एक बल लगा होगा, और उसी बल को बताने का कार्य करता है गुलाम का नियम, ठीक ना। कि दो आवेशों के बीच दो आवेश क्यों दूर भाग रहे हैं, क्यों पास आ रहे हैं, क्योंकि इनमें उनके बीच क्या लगता है, एक बल लगता है, और वही बल को बताने का कार्य किया था किसने, गुलाम के नियम ने। और कितना बल लग रहा है यह भी बताया था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, तो आपको पता चल गया ना गुलाम का नियम क्या है। गुलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। मतलब कि दो आवेश हैं तो वो पास क्यों आ रहे हैं, वो दूर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उनमें उनके बीच क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, और वही बल को कौन बताता है, गुलाम का नियम, ठीक है। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखिए, गुलाम के नियम के अनुसार, यानी गुलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुलाम का नियम क्या है, गुलाम का नियम है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो गुलाम का नियम हो गया परिभाषा के हिसाब से, यानी गुलाम का नियम कहता क्या है। चलिए इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए गुलाम का नियम क्या कहता है कि कह रहा है कि किसी भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस एक प्लस यहाँ पर है, तो एक प्लस यहाँ पर है और एक प्लस यहाँ पर है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल, यानी जो लगने वाला बल होगा चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, कह रहा है कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, लगने वाला बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, उन आवेशों के, मान लो कि यह क्यू आवेश है और ये भी क्या है क्यू, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, वो उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि वो अनुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है प्रोपोर्शनल, वो Q1 और Q2 के, मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लस Q1 आवेश है और यहाँ पर प्लस Q2 आवेश है, प्लस Q1 आवेश है और क्या है प्लस Q2 आवेश है, तो कह रहा है कि इनके बीच जो बल लगेगा यफ, वह प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के। Q1 और Q2 क्या होगा, प्रोपोर्शनल, यह समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा एक। और सेकेंड कह रहा है उनके बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं आर, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इनके बीच की दूरी का वर्ग के क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, यही नियम है। अब इन दोनों क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटता है तो आपको पता है कोई कांस्टेंट आता है कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यह है नियम किसका,
कूलाम का नियम या कूलाम का बल का नियम कितना है, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, यही है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए परिभाषा क्या करा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, देखो दोनों आवेशों की मात्राओं गुणनफल के ना, मतलब क्यू वन क्यू टू तथा अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एक क्यू वन आवेश है और यहाँ पर एक क्यू टू आवेश है, तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल जो होगा उनकी आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी जो आवेश की मात्राएं हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है आर, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक बटे आर स्क्वायर। तो जब मिला देंगे बराबर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, और के क्या है, के है स्थिर विद्युतकीय नियतांक है, के क्या है स्थिर विद्युतकीय नियतांक है, ठीक है ना। और जो कह रहा है क्लास में यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, कि मतलब कि यह जो बल होगा यह इधर भागेगा और यह इधर भागेगा, तो इसी लाइन के सीध में भागेंगे, ठीक है ना, इसी लाइन के अलोंग भागेंगे, यानी कि इसी सीध में भागेंगे, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, अनुदिश होता है, और इसमें जो के है वो नियतांक होता है, स्थिर विद्युत की नियतांक, और के की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो चलिए ये रहा आपका फार्मूला, फार्मूला क्या है, ये बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, अब इस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। के क्या, के का मान भी पता है 9×10⁻⁹, क्यू वन क्यू टू दिया रहेगा, इस पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप होमवर्क में करके आइएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि दो बिंदु आवेश प्लस दो कूलाम तथा प्लस छः कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए, क्यू वन दिया है, क्यू टू दिया है, आर बराबर दिया है, उसको मीटर में बदल दिया है, और देखिए के का मान दिया है 9×10⁻⁹। इसको हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, लेकिन आप इसको करिए, करके आंसर कमेंट में बताइए, और हम इसको कल के क्लास में क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है ना। तो आज आप आज आपने क्या सीखा, कूलाम का नियम, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम क्या है, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।